शहर से दूर एक गांव था, लाजवतगढ़। लाजवतगढ़ गांव में सभी लोग एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश में रहते थे। उसी गांव में दो लड़कियां थीं जिनका नाम रूपा और हेमा था। वो दोनों बिल्कुल ही किसी की बातें नहीं मानती और दिन रात जहां मन वहां घूमती थी। एक दिन आधी रात में वो दोनों बगीचे में बैठी हुई थी, तभी वहां की मालकिन आती हैं और कहती, अरे रूपा और हेमा, तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? इतनी रात गए? जल्दी से वापस घर लौट जाओ बेटा, काफ़ी रात हो चुके हैं, ऐसे में भूत पिशाच भी घूमते हैं। दोनों उस काकी को देखती और मन ही मन सोचती, इन्हें जाने दो, हमें थोड़ी इनकी बात सुननी है। इतना कह वो निकल जाती। दोनों को कुछ ऐसा दिखाई देता जब वो वापस घर की ओर लौटने जा रही थी, जिसे देख दोनों हैरान रह जाती। वो लोग देखती कि उनके जो गांव के रामू काका हैं, उनके ढाबा के पास कुछ ऐसी घटना घट रही है जिससे कि सभी गांव वाले अनजान थे। पिछले कुछ दिनों से रामू के ढाबे में कोई भी सामान नहीं बचा करता था। रामू के ढाबे पे वो लोग देखती कि जब आधी रात हो रही थी तो बहुत सारी छोटी छोटी चिड़िया उसके दुकान के आसपास उड़ रही थी और चहक रही थी। उन्हीं में से एक टुन्नी चिड़िया वहाँ पे बहुत सारे पिज्ज़ा बर्गर के ढेर लगाई हुई थी। लगातार वो उनके चूल्हे गैस पे बनाए जा रही थी अपने लिए और अपने प्रजाति के चिड़ियों के लिए पिज्ज़ा। ये सब वो लोग चुपचाप धीमी पैर जाते हुए देखते हैं, पेड़ के पीछे छिप जाते हैं ताकि वो लोग सच्चाई पता करें। वैसे भी उन दोनों को किसी से डर नहीं था। तभी वहाँ देखते हैं कि बहुत सारे और चिलकौए आ जाते हैं और खाने के इंतज़ार करते हैं। ना जाने आपस में वो लोग क्या बातें कर रहे थे, पर उसे ऐसा समझ आ रहा था कि वो लोग किसी के सिखाए हुए चिड़िया हैं। साधारण चिलकौए और टुन्नी चिड़िया ऐसे इंसानों की तरह खाना नहीं बनाते। देखते ही देखते वो टुन्नी चिड़िया अपने सर पे पिज्ज़ा की ढेर लिए हुए सारे कौए और चिड़ियों के आगे जाके रख देती है और वापस खाना बनाने लगती है। सब इंसानों की तरह खाने भी लगते हैं और लगातार आपस में चहक रहे थे। तभी उन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता। वो लोग देखती कि उनके गांव की मुखिया की पत्नी हेमा काकी वहां पर आई हुई है। हेमा काकी उनसे कहती, वाह मेरे चिलकौए, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया, एक भी राशन नहीं बचना चाहिए यहाँ पे, सारे खा जाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। वो सारे चिड़िया और कौआ को राशन खिलाती क्योंकि उससे आगे चल के उसे फ़ायदा भी होता था। ये तो तभी पता लगा पाती रूपा जब वो आगे इनका पीछा करें। अब वो लोग योजना बनाती कि इन लोगों का पीछा वो लोग ज़रूर करेंगी कि ये लोग रात ढलने के बाद ये सब तहस नहस करने के बाद जाती कहाँ है। वहाँ से वो लोग अगले दिन दुकान पे जाती तो बहुत सारे ग्राहक आने लगे थे। ग्राहक आके दरवाजे पे बैठे हुए थे और ढाबे में एक भी राशन का सामान नहीं बचा था, जिससे कि राशन की मालकिन और मालिक बहुत परेशान थे। वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि कल रात वो लोग राशन बहुत सारा रख के गए थे और आज तो थोड़े बहुत ही राशन बचे हैं, सुबह का तो चाय नाश्ता हो जाएगा, लेकिन जब अब ग्राहक आने शुरू होंगे तो हम लोग कैसे खिलाएंगे पिलाएंगे। तभी उनके पास फ़ोन आता है और रात की हुई घटना के बारे में रूपा और हेमा बताती हैं। ये सब सुन वो लोग एक योजना बनाते कि उन्हें किसी तांत्रिक से मिलना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हेमा और रूपा बताई हैं तो ये कोई साधारण चिड़िया नहीं लगती जो हमारे दुकान पे आके रात में तहस नहस करती है। और आखिर ये किसका काम है, क्योंकि उस गांव के लोग एक दूसरे से हमेशा आगे बढ़ने के फिराक में रहते थे और हमेशा जलते रहते थे, तो उन्हें शक होता कि ये किसी गांव वाले का ही काम है। तभी उन्हें पता चलता कि ये गाँव की मुखिया और उसकी पत्नी का ही काम है, जो कि
गांव में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए सारे गांव वालों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे। वो लोग चाहते थे कि सारे लोग गरीब रहें ताकि उनके पास वो लोग भिक्षा मांगते रहें और काम के लिए तड़पते रहें। इसलिए वो लोग तांत्रिक से मिलके एक पिशाचनी की आत्मा अपने घर में कैद कर दिए थे। पिशाचनी मुखिया की पत्नी के शरीर के अंदर आ जाया करती थी और उसके बाद बहुत सारे चील कौए को खाना खिलाती और उन्हें ही अपना शिकार बना लिया करती थी। वो चील कौए भी मरने के बाद उस पिशाचनी की आज्ञा का पालन करते हैं और जैसा वो करती वैसा ही वो लोग भी करते हैं। धीरे धीरे ये राज गांव वालों के सामने खुल जाता है। एक दिन रामू उदास मन से मुखिया जी की पत्नी के घर के पास जाता। वो बाहर एक अलग ही रूप में बैठी हुई थी। उसे देख तो रामू घबरा जाता। तभी उसकी पत्नी तांत्रिक बाबा को लेकर रास्ते में ही आ रही थी। रामू कहता, अरे मुखिया जी, क्या आपको पता है मेरे वहाँ जो दुकान है वहाँ से ना जाने कौन रात को तहस नहस करके सामान चला जाता है। फिर भी वो कुछ नहीं बोलती और घुर्रा के उसे देखती। डर से रामू वहाँ से झट से अपनी ओर भाग जाता घर के। और इधर तांत्रिक बाबा आते हैं। तांत्रिक बाबा के कुछ मंत्र पढ़े जाने पे वो अपने असली रूप में आती और कहती, मूर्ख तांत्रिक, लौट जा यहाँ से। तांत्रिक बाबा अपने सामने विशाल पिशाचनी को देख हैरान रह जाते हैं। वो कहते हैं, देख पिशाचनी, तेरा कोई भी जादू मेरे ऊपर नहीं चलने वाला। तू गांव वालों को मूर्ख बना सकती है, मुझे भी नहीं। बहुत दिन हो गए मैंने कोई भूत पिशाच नहीं पकड़ा है। चलो आज तेरे से ही शुरुआत करता हूँ, क्योंकि तू इन गांव वालों को इतने दिनों से बहुत परेशान कर रही है। अब तेरा समय पूरा हो चुका है। इतना कह वो ऐसा मंत्र मारते कि वो पिशाचनी उनके कमंडल के अंदर आ जाती और उसे वो कैद कर अपने साथ पहाड़ों में लेके चले जाते। फिर से उस गांव में वही रौनक आ जाती और लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते और फिर से वो लोग आगे बढ़ने लगते। लेकिन इससे एक घाटा हुआ था कि रामू को परिवार को उस पिशाचिनी ने रातों रात ही ख़त्म कर दिया था। रामू का परिवार तो ख़त्म हो गया, लेकिन गांव वाले उस पिशाचिनी से मुक्त हो गए और फिर से गांव में वही चहल पहल आ गई। लेकिन रामू अब जितना भी पैसा कमाता, जब वो घर लेके लौटता तो उसे अपने परिवार की बहुत याद आया करती थी, क्योंकि उसके परिवार में अब कोई नहीं था। वो नदी के किनारे पे जाता और अपने परिवार वालों को याद करता और हमेशा रो के अपना मन हल्का करके वापस घर लौट जाता था। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।